नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीडियो सॉल्यूशन में। मैं उमा शंकर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बात करने वाले हैं प्रिंटर HP LaserJet M1005 MFP के बारे में। तो दोस्तों, इसमें नो कार्टेज आ रहा है, नो प्रिंट कार्टेज, तो इसको हमको सही कैसे करना है तो हम आइए बताते हैं आपको। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इस प्रिंटर को सबसे पहले हम बंद कर देते हैं। दोस्तों, हम इसको पहले खोल के हम आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम सबसे पहले स्क्रू खोल के पहले हम कवर को बाहर निकाल लेते हैं दोनों। और हम जो है निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि तकलीफ क्या है। तो हम नज़दीक से आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो इसमें दिक्कत हमें दिख रही है कि आप जैसा कि देख रहे हैं, ये ऐसा उठा हुआ रह जाता है और ये कभी कभी ये सेंसर ख़राब होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये बराबर काम नहीं कर रहा है तो हम इसको थोड़ा सही से चेक कर लेंगे। अगर ये बराबर सब कुछ काम कर रहा है उसके बाद फिर हम ये सेंसर को बदलेंगे। तो हम पहले इसको साफ करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप प्रोसेस करते हैं। तो फिर हम पहले इसको हम एक अच्छे से थोड़ा साफ कर देते हैं। जैसा कि हमने इसको थोड़ा सा क्लीन भी कर दिया और इसमें ये आता है थोड़ा, अगर जाम होगा तो उसको सही करने के लिए। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है दोस्तों, तो आइए इसको सही कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि फाइनली हमने इसको क्लीन भी कर दिया और फिट भी कर दिया, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। ये दोनों जो सेंसर हैं ये बराबर से वर्क कर रहा है। तो हमने इसको कर दिया है सही। और आइए इसको एक बार चालू करके देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनली ये हो गया है रेडी, मतलब हमें सर्विस करने पे हमारा हो गया रेडी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।